हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। अब भाई साहब, आप कभी ना कभी जिंदगी में किसी डॉक्टर के पास तो जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन डॉक्टरों के भी इंग्लिश में नाम होते हैं, जैसे रामलाल, श्यामलाल, सचिन लाल, मुकेश, नहीं ये तो इनके पर्सनल नेम है, अरे इनके इंग्लिश में कुछ नाम होते हैं, वो आंखों का डॉक्टर, कान के डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, मुझे अभी याद नहीं है, मैं अभी पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा। अब फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डॉक्टरों के इंग्लिश में 10 बेहतरीन नाम लेकर आया हूं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास जाओ तो आप पढ़ लो यहां पे कि आप किस डॉक्टर के पास आए हो और आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है, कभी कहीं और पहुंच जाओ। अब ऐसे अंग्रेजी में डॉक्टरों के 10 नाम सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी में डॉक्टरों के 10 नाम। अब सबसे पहला है दिल का डॉक्टर। अब दिल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाके देगा ये डॉक्टर के लिए, बेटा ये नहीं, गर्लफ्रेंड ला दो गोली सुबह इसके साथ खा लियो, शाम को खा लियो। दिल का मतलब जो दिल का मर्ज है आपको, दिल की कोई डिजीज है, कोई दिल से जुड़ी बीमारी प्रॉब्लम है तो दिल के डॉक्टर के पास हम जाते हैं। अब दिल के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपको हार्ट डॉक्टर रहता हूं, ऐसे ही व्हाट्सएप डॉक्टर ही बोल दो। ये दिल के डॉक्टर को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, 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 याद रखना, पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप कहीं पर बोर्ड लिखा देखो और लिखा हुआ है सरताज सर कार्डियोलॉजिस्ट, ओ भाई साहब, तभी साहब, ओ ये तो दिल के डॉक्टर है, और बोर्ड पे ये नहीं लिखा रहेगा हार्ट डॉक्टर, आई डू इलाज ऑफ हार्ट, ऐसे लिखा रहेगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप भी थोड़ा प्रोफेशनल बनिए, आपको पता होना चाहिए कि कभी दिल के डॉक्टर से मिलना है तो डायरेक्टली जाके पूछा मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना, वैसे आपको कभी ना मिलना पड़े, आपका दिल हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। An apple a day keeps doctor away. ऐसी है क्या? शायद कुछ भी है। ठीक है, cardiologist। आओ अब next वाले doctor साहब से मिलें। और भैया next वाले doctor हैं हड्डी तोड़ doctor, मेरा मतलब हड्डी के doctor, यानी जो हड्डियों का इलाज करते हैं, हड्डी में मतलब bones में कोई problem आ जाए, टूट जाए, fracture हो जाए, मतलब कहीं से खपच्ची पपच्ची बंदी भी हो, अब उसका इलाज कराने के लिए आप किसके पास जाओगे? आप माइंड लगाओगे, अब बोन डॉक्टर, बोन माने हड्डी, मैं भी यही सोचता था, डॉक्टर ने मारा मुझे बहुत, अब उन्होंने फिर मुझे बताया, सुन मुझे, यानी हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गया, नहीं नहीं याद आ गया, याद आ गया, हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक। तो भैया अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घुटने में, घुटने कटोरियों में दर्द हो रहा है, हाथ में हो रहा है, मूंछ आ गई, कहीं आ गई, या किसी के फ्रैक्चर वगैरह है, तो उसे कहां जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, तो ऑर्थोपेडिक जी करेंगे उनका इलाज और उनका ऑर्थो ऑर्थो सारा ठीक कर देंगे, हड्डी पड्डी ठीक कर देंगे, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाले डॉक्टर से मिले। और भैया नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं किडनी के डॉक्टर। आप किसी को भी किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, भैया वैसे किडनी की प्रॉब्लम बहुत बुरी होती है, बस यहां पानी पियो वहां निकालो, किसी को ना हो, तो किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी के जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, सही है, नखरे मखरे मत करो, याद करना नेफ्रोलॉजिस्ट। अब नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भैया किडनी का इलाज फिलाज कर देते हैं, ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट जो भी कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना उसका सॉल्यूशन निकाले, पता नहीं कैसे, मुझे तो नाम पता है, मैं डॉक्टर थोड़ी जो ज्यादा तुम्हें जानकारी दूंगा। तो ठीक है, ये है किडनी के डॉक्टर साहब। आओ अब अगले वाले डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें। और भैया नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब है बच्चों के डॉक्टर, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे नवजात शिशु जिन्हें बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है, हमारे आपके डॉक्टर उनमें काम नहीं करते, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं वो होते हैं। अब देखो उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे, उन्हें इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन, पेडियो, क्या मुंह से नहीं निकल रहा, पढ़ के आता हूं एक मिनट, अरे भैया लिखला है आप पढ़ लेता हूं, हाँ तो बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, नाम भी नहीं निकल रहा, कितना मुश्किल नेम है, पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, यानी बच्चों का इलाज करते हैं। अब आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना हो, नहीं हो तो हो जाएगा, मेरी दुआ है, अब उनके उनके लिए जरूरी नहीं है बीमारी के लिए लेके जाए, देखभाल के लिए, सलाह के लिए भी पेडियाट्रिशियन के पास ले जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो याद रखना ये वाला, ठीक है नाम। आओ अब नेक्स्ट वाले डॉक्टर
साहब से मिले और भाई साहब नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं औरतों के डॉक्टर। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज को, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज से, जो खास तौर पे लेडी स्पेशलिस्ट होते हैं, लेडीज का इलाज करते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं, उनको सुनो क्या कहते हैं। उनको कहते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट नाम में भी ऐसा रहा, गाना मतलब गाना गाते गाते इलाज कर देती है महिलाओं का, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड काम है डॉक्टर का, ये तो सिर्फ एक मजाक था। तो गायनाकोलॉजिस्ट का मतलब होता है औरतों के स्पेशलिस्ट, औरतों के डॉक्टर, ठीक है, ये आप याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब से मिले। और भैया नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब है त्वचा के डॉक्टर। त्वचा के डॉक्टर मतलब स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब स्किन से मान लो चेहरे पे, हाथ पैरों पे, या फिर स्किन से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम आ रही है, बंदा गोरा नहीं हो रहा है, चेहरे पे दाग हैं, हाथ पैर पर कहीं कोई चीज आ गई है स्किन पे, या स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो वो ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट के पास जाएगा, वो जाएंगे स्किन डॉक्टर के पास। अब जो त्वचा वाले डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन के डॉक्टर, जो स्किन का इलाज करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मान लो आप जो है मेडिकल स्टोर पे गए, भैया देखिए यहां पर फुंसी हो रही है, चार साल से सही ना हो रही, दवाई दे दो, वो कह दे आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। भाई साहब तुम तो यही सोचते आ जाओगे कौन सा डिटोल के सीसी बोल दी, किसका दिखाऊं, वो डिटोल नहीं वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो स्किन के डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप भी ध्यान रखना, याद रखना, नेक्स्ट टाइम भूलना बिल्कुल मत, कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ देखो नंबर वन डर्मेटोलॉजिस्ट, तो समझ जाना अच्छा हो स्किन के डॉक्टर ही है। चलो आओ नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब से मिले। और भाई साहब नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं आंखों के डॉक्टर, इन्हें तो हम नॉर्मली भाषा में आई डॉक्टर कहते हैं। वेल आई एम गोइंग टू आई एक्सपर्ट आई डॉक्टर। पहले मैं सोचता था बड़ी बड़ी आंखें होंगी ऐसे डॉक्टर होंगे, कोई आई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बाद में बड़े होकर पता चला आंखों का इलाज करते हैं उन्हें आई डॉक्टर बोलते हैं, और जब आप बुढ़ा होने को आ रहे हो तब पता चला आई डॉक्टर भी नहीं बोलते। सुनो क्या बोलते हैं, ये भी लिख के लाना पड़ेगा, बहुत लंबा नाम है। अरे रेंदो फर्रे की जरूरत नहीं है, ऐसी नाम बोल दूंगा, इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश सिखा रहा हूं, कोई मजाक करी और यहाँ पे ये तो मैं ऐसी बता दूंगा, डोंट वरी, इस बात फर्रे की जरूरत नहीं है। हाँ तो आंखों के जो डॉक्टर होते हैं जो आंखों का इलाज करते हैं उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ये कुछ नहीं है तो ऐसे ही है भैया, ये कुछ नहीं है, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट जी हाँ, अब जिन्हें आप अब तक आई डॉक्टर के नाम से जानते थे याद रखेंगे, उन्हें प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं अपॉइंटमेंट लेना है तो आप आई डॉक्टर ना कहें, बल्कि कोशिश करें अपना प्रोफेशनल दिखाएं थोड़ा सा, कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आप कितना फॉर्मल बोलते हैं कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के साथ। तो गाइस आंखों का ध्यान रखिए, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए जरूर, देना शौक है आपकी, नहीं मैं बह गया, मैं दिखाना चाह रहा हूं, मुझे इंग्लिश आती है, ऐसे यू में नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब से मिलो। और भाई साहब नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं दांतों के डॉक्टर। अरे ये तो सभी जानते होंगे, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा बिना लिखे बिना कट मारे। आप जो दांतों का इलाज करते हैं उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं डेंटल क्लिनिक। अबे अनपढ़ गवार बेवकूफ, डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटल क्लिनिक नहीं बोलते। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, यही कह रहा था मैं कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो डेंटल क्लिनिक बोलते हैं उनकी दुकान को, ऐसी है वो मैडम, चलो ठीक है। हाँ तो दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं अंग्रेजी में डेंटिस्ट, ठीक है, याद रहेगा ना डेंटिस्ट। तो जब भी आपको अपने दांतों का इलाज कराना हो, दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी टूथ है यानी कि दांतों का दर्द है, या फिर मसूड़े में यानी गम में कोई गम लग गया आपको, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। आओ नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब से मिले। और भाई साहब नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं आंख नाक कान गले के डॉक्टर। अब जो ये जो डॉक्टर होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं आंख के, नाक के, कान और गले के, यानी इन चार चीजों का खास तौर पे इनके पास इलाज होता है। अब जो मैंने खाली आई के आपको बताए थे जिनका नाम क्या था, लंबा चौड़ा सा ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट याद आ गया, मैं पढ़ा बिना पढ़े ही आ गया, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, वो खाली आई स्पेशलिस्ट थे यानी कि आंखों का ही इलाज करते थे, लेकिन ये जो डॉक्टर होते हैं इन्होंने खासतौर पर डिग्री की होती है आंख नाक कान गले के लिए। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुनो, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ई फॉर आई, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट। अबे फिर ईयर कहाँ गया, अच्छा वो ई एक ही में इंक्लूड हो गया, आई और ईयर में, सही हो, ये सही है शॉर्ट फॉर्म भैया, तो ENT स्पेशलिस्ट। अब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए कोई किसी से कहे भाई साहब आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तो याद रखना ENT मतलब आँख कान नाक गले वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते जो इलाज करते, टी फॉर थ्रोट होता है, ठीक है, थ्रोट माने गला,
आई ईयर नोज फोज हो गया, ठीक है, तो वो होते ईएनटी स्पेशलिस्ट, याद रहेगा। आओ अब नेक्स्ट वाले डॉक्टर साहब के हाथ जोड़े, आई मीन उनसे मिले। और भाई साहब नेक्स्ट वाले डॉक्टर हैं दिमाग के डॉक्टर, ऐसा क्यों लग रहा है इनके पास में गया हूं, पता नहीं याद सी आ रही है मुझे, गया हूंगा, चलो कोई बात नहीं। दिमाग के डॉक्टर यानी कि अब तक हमने देख लिया दिल का इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट, आंख का इलाज करने वाले, अब हड्डियों का इलाज करने वाले, आंख नाक कान गले का इलाज करने वाले, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा भेजा होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसका इलाज भी होता ही है, होता कि जब वो खराब होता है तो इलाज भी होगा, लेकिन उनके डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो उनके डॉक्टर को कहते हैं साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। ओहो, और जो पागल हो जाए इंसान वो होता है साइको, यानी मेंटल हो जाता है, दिमाग से चल जाता है इसका, और उसका जो साइको का इलाज करे वो साइकेट्रिस्ट, ऐसे याद कर लेंगे हम तो, बढ़िया ये, चलो ट्रिक याद हो गई। तो साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, जो पागलों का इलाज करते हैं, या फिर कोई दिमाग, जरूरी नहीं है पागल, कोई दिमाग से जुड़ी कोई भी बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो उनका इलाज करते हैं। हो भाई साहब, आया ना मजा कसम से इतने सारे डॉक्टरों से मिलके। तो भाई साहब आज मैंने आपको 10 प्रकार के डॉक्टरों से मिलवाया और आपको इनके नाम याद करवाया, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अब इनके नाम याद कीजिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के नाम इंग्लिश में लेना सीखेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि आप वाकई में अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश आती है अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट टाइम आप अपने घर वालों को भी ये चीजें याद करवाना और पापा से ही बोलना, पापा देखो दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और दिमाग के डॉक्टर को ये बोलते हैं वो, इस तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस होगी और घर में भी सबको याद होगा। बाकी इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने छोटे भाई बहन, चाचा ताऊ, फूफा उपा, जितने भी गली मोहल्ले में रह रहे हैं, नन नगरी वाली बुआ फुआ जो भी है, या फिर भैया जो भी आपके मोहल्ले पड़ोस में, सबके साथ शेयर कर देना। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।